So, good morning students. Last video we discussed about the age of relations 1830 to 1848. Now we'll start about the next subtopic, the romantic imagination and national feeling. Romantic imagination करना, ठीक है? और national feeling कैसे शुरू होती है यूरोप में, ये देखते हैं हम लोग अभी. रोमांटिक का वर्ड आपने सुना होगा, रोमांस, ठीक है? रोमांस यानी क्या होता है कि जब देश से प्रति जो आपके मन में स्नेह होता है, प्यार होता है, ठीक है, ये होता है रोमांटिक, रोमांस, ठीक है? बिटवीन टू पीपल भी होता है ये, और देश के लिए भी होता है, कि समाज के लिए होता है. तो किस तरह से यहाँ पर बताया गया कि देश के लिए, यानी यूरोप में किस तरह लोगों ने अपने लैंग्वेज के लिए, अपने लोगों के लिए जो रोमांटिक इमेजिनेशन किया और नेशनल फीलिंग किया, वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन. ये जो राष्ट्रवाद की भावना आई सिर्फ युद्ध करके या अपने सीमाएं बढ़ा के नहीं हुई. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. जो बोलते हैं ना संस्कृति, संस्कार, इसका भी रोल प्ले होता है. जब किसी देश का आप आइडिया बनाते हैं, नेशन बनाते हैं, उसका आर्ट, उसका पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड सेप नेशनलिस्ट फीलिंग. इफ समबडी आस्क यू कि बताइए आप इंडिया का कल्चरल एसेट क्या है, इंडिया का, अगर आपको रोमांटिकली इंडिया को इमेजिन करना है, नेशनल फीलिंग करना है इंडिया के बारे में, तो आप क्या बताएंगे? तो फिर आप क्या करेंगे, इंडिया में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम यहाँ लोग फॉलो करते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो होता है, यहाँ पे जो फोक सॉन्ग होते हैं, फोक डांस होते हैं, क्लासिकल बोलते हैं ना सिंगिंग करते हैं, हमारा जो पास्ट इतिहास है जिसको हम लोग बोलते हैं माइथोलॉजी में रामायण है, महाभारत, हमारे वेद हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर ट्रेडिशंस में पारंपरिक रूप से शादी ब्याह का समय जो होता है, किस तरह से लोग एक दूसरे ब्याह करते हैं. जैसे अभी देखिए कोई त्यौहार आया तो हम लोग बोलते हैं ना सावन में कजरी गाते हैं, फिर बिरहा है, आला है, रामायण का गान करते हैं लोग, संपूर्ण नमन बढ़ाते हैं. ये सब क्या है, हमारा कल्चर है ये, किस तरह यहाँ पर बड़े बूढ़ों का सम्मान होती है, परिवार किस तरह यहाँ पर, खास कर ज्वाइंट फैमिली किस तरह अक्सर यहाँ पर रहती है. तो इंडिया एक बोलते हैं ना बेस्ट एग्जाम्पल है ज्वाइंट फैमिली का पूरे वर्ल्ड में. अगर बात करें कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज हैं, तो हमारे देश की बात आएगी. देखा ना आपने मिजोरम में एक परिवार है, कोई चानू परिवार देखिए आप, उसमें 94 मेंबर्स हैं, उस परिवार में 94 मेंबर्स, कैन यू बिलीव दैट. यहाँ पे एक फैमिली रहना मुश्किल है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे रहना मुश्किल पड़ता है, उनमें भी कंट्रोसी होती रहती है, और वो लोग 94 पीपल साथ में रहते हैं. तो जॉइंट फैमिली भी हमारा एक कल्चर है. तो ये क्या हुआ, ये हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन हुआ. वैसे ही यूरोप में भी हुआ था कि उनका जो कल्चर था उसने उनके नेशन का जो आइडिया लाया कि वहाँ पे किस तरह के आर्ट फॉलो, जैसे हमारे अभी आर्ट फॉलो होते हैं, बहुत तरह की कलाएँ हमारे पास हैं कि नहीं है, हस्तकला भी है, बहुत सी चित्रकलाएँ हमारे यहाँ बनती हैं जो यूनिक है वर्ल्ड में. हमारे यहाँ के जो कवि हैं, स्टोरी जो हमारे पास अपनी है, जैसे बोलते हैं ना विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र है, बाद में इनकी लॉर्ड बुद्धा की, ठीक है, उनकी क्या है वो जातक कथाएँ उनकी हैं. तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कल्चर हैं वो हमको बांधते हैं एक साथ कि हम एक देश हैं, कल्चरली हम एक देश हैं, हमारे पूर्वज एक थे, ये हम जो सोचते हैं. वैसी ही सोच वहाँ यूरोप में उस समय आई थी कि नेशन का जो आर्ट है, पोएट्री है, स्टोरी है, म्यूजिक है, उस सबको एक नेशनलिस्ट फिल्म में लाया जाए. सो लेटेस्ट टू के रोमांटिसिज्म, पहले बात करते हैं रोमांटिसिज्म का. ए कल्चरल मूवमेंट वी सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस. जो रोमांटिक साइंस आर्टिस्ट थे उन्होंने जो ग्लोरीफाई किया गया रीजन्स को और साइंस को, बोलते ना विज्ञान को, कारण को, ये सब जो बातें बताई गई उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि नहीं एक्चुअली हमारा जो कल्चर है उसे हमें ज़्यादा बताना चाहिए लोगों को. ये शुरुआत होता है यहाँ रोमांटिसिज्म का. एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. ठीक है,
तो उन्होंने फोकस इस बात पे किया जो हमारे इमोशंस है, भावनाएं हमारी थी उस पर, हमारी जो सोच होती है जो पहले से आगे बोलते ना, जो पहले सोचते हैं कि आगे ऐसा कर सकते हैं या ऐसा आगे हो सकता है, ये सब चीज़ें मास्टिकल फीलिंग जो हमारी मन में आती है. सो दीज देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन. एक कॉमन कल्चरल पास्ट होगा जो हमारे नेशन का बेस बनेगा. ये शुरू किया था उन्होंने रोमांटिसिज्म में. बिफोर दैट देखिए फिगर ध्यान से, आप समझ में आ रहा है आपको, देखिए ध्यान से प्रॉपरली, कुछ नज़र आपको आया नज़र? कुछ लोग यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड जो लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लोग गिरे पड़े हैं लोग यहाँ पे, क्या पीछे वो समंदर है, पानी है क्या? वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा मुझे, आप सजेस्ट कीजिए. और ये सामने देखो लोग गिरे हुए हैं, और देखिए घोड़े पे लोग यहाँ पे, एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ है, यानी सिंपल भाषा ये लोग वो हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, दे आर बीन टॉर्चर्ड एंड सप्रेस्ड, एंड ये है जो होगा सोल्जर होगा. लेट अस सी क्या लिखा है यहाँ पे, द मैसेकर एट चियोस यूजेन डेलाक्रॉइट्स 1824. चियोस प्लेस है, वहाँ पे मैसेकर हुआ, मैसेकर माने होता है नरसंहार हुआ. ये किसने बनाया पेंटिंग, ये याद रहे पेंटिंग है, फोटो नहीं है, पेंटिंग है ये, यूजेन डेलाक्रॉइट्स ने किया 1824 में. डेलाक्रॉइट्स कौन था? फ्रेंच पेंटर, ही वॉज ए फ्रेंच पेंटर. फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉइट्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर. फ्रेंच का जो रोमांटिक पेंटर था ये बहुत फेमस था, डेलाक्रॉइट्स, यूजेन डेलाक्रॉइट्स. दिस ह्यूज पेंटिंग जो है 4.19 मीटर बाय 3.54 मीटर, यानी 4 × 4 = 12, यानी करीब 15 के आसपास, और ये 15 by 12 का, 15 फुट लंबा 12 फुट चौड़ा. जस्ट इमेजिन कि 15 फुट बड़ा, 15 फुट ऊंचाई में और 10 फुट चौड़ाई में, 11 फुट, इतना बड़ा पेंटिंग बनाया था डेलाक्रॉइट्स ने. उसमें क्या शो कर रहा वो, डिफीट्स एन इंसिडेंट इन विच 20,000 ग्रीक वेयर सेट टू हैव बीन किल्ड बाय, तो देखो लाइन लिखा है, तुर्क ऑन आइलैंड ऑफ चियोस, बोला ना आइलैंड, पीछे पानी है कि नहीं देखो आपको नजर आ रहा. उन्होंने यहाँ से रिपीट किया है कि वो घटना बताइए जहाँ पे 20,000 ग्रीक पीपल को मार दिया था तुर्क पीपल ने, यानी ऑटोमान एम्पायर, ठीक है, तुर्क पीपल यानी ये सोल्जर जो थे, तुर्क पीपल ने 20,000 ग्रीक को मारा था, आइलैंड था वो चियोस आइलैंड पे. एंड बाय ड्रामेटाइजिंग दिस द इंसिडेंट फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड यूजिंग विविड कलर, तो उसको उन्होंने ड्रामेटाइज करके बताया यहाँ पे किस तरह से उनके ऊपर अन्याय किया गया, मारा गया, और उस समय जो औरतें और बच्चों पर जो सफरिंग करनी पड़ी, उनको जो नुकसान उठाना पड़ा, बहुत कलर में शो किया गया. डेलाक्रॉइट सॉट टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर एंड क्रिएट सिंपथी फॉर द ग्रीक्स. तो डेलाक्रॉइट यहाँ चाहता था कि लोग इसको देखें, जो उसे देखे उसके मन में सिंपथी पैदा हो, किसके लिए, ग्रीक पीपल के लिए, कि किस तरह से वो लोग अत्याचार सह रहे हैं ओटोमान एम्पायर के अंडर में. वहाँ के जो तुर्क सैनिक है वो इस समय चियोस में आइलैंड में 20,000 लोग को मार दिए, और उससे लोगों के मन में सिंपथी तैयार हो. ये टॉपिक हमने पढ़ा था पीछे जहाँ पे ग्रीक का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1821 में, और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो हुआ है 1832 में. ये वही बात है, उसी के पहले ये उन्होंने रोमांटिक पेंटिंग बनाया था यूजेन डेलाक्रॉइट्स ने, और इस तरह से ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, और फाइनली उनको वहाँ पे एक नया देश मिला, उनका ग्रीस देश बना, ये वो था. फिर हम टॉपिक पे आते हैं अपना, रोमांटिसिज्म जो आपको एक्सप्लेन किया था मैंने. अब ये नया टॉपिक यहाँ शुरू हो रहा है जो रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है. उसमें जर्मन फिलोसोफर हैं जॉन गॉटफ्राइड हॉल्डर 1744-1803, इनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ दिया है. क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन द कॉमन पीपल, जिसको बोलते हैं दास ओट. देखो याद रहे, दास ओट का मतलब होता है जर्मन भाषा, ये दास ओट मतलब होता है कॉमन पीपल, कॉमन पीपल मतलब दास ओट, और हम क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, अपनी भाषा में आम जनता, जिसको बोलते हैं ना आम जनता, आम नागरिक. तो हिंदी में आम जनता, इंग्लिश में कॉमन पीपल, और जर्मन भाषा में दास ओट, याद रहेगा आपको दास ओट. तो ये जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर,
जॉन सफर हल्डर ने बताया था कि अगर आपको जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है तो आपको यहाँ के आम जनता से मिलना पड़ेगा, आम जनता को ऑब्जर्व करना होगा। और ये सच्चाई भी है, अगर आपको भी भारत का संस्कार देखना है, भारत की संस्कृति जानना है, तो आपको यहाँ की आम जनता को देखना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। बोलते ना कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, सुना ना आपने, तो वैसी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉमन पीपल से मिलके आप कॉमन पीपल को देखेंगे तब आप ट्रू में जो जर्मन जर्मन कल्चर है उसको जान पाएंगे। ये बताया था जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हल्डर ने, ठीक है। सो ये हम स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फर्दर। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।